अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कैलगरी कनाडा। से सलाम टू माय ऑडियंस मामूजान। अस्सलाम वालेकुम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं मामू के साथ जा रहा हूँ कैलगरी के साथ। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम बैफ है, तो आज हम उसे विजिट करने जा रहे हैं। और ये सब जो अगर आप गूगल पर जाकर कैलगरी लिखेंगे तो सबसे पहले जो तस्वीरें आएंगी उनमें बैफ की तस्वीरें शामिल होंगी। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाकर और एक्सप्लोर करते हैं बैफ को। लेट्स गो। दोस्तों, हमने रास्ते में एक लिया छोटी सी ब्रेक, टिम हॉर्टन्स आपको मेरे पीछे लिखा नजर आ रहा है। अगर आप कनाडा आए हैं और आपने टिम हॉर्टन की कॉफ़ी नहीं पी तो आपका कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कनाडा की सबसे फेमस कॉफ़ी ब्रांड है। और यहाँ पे बर्गर्स वगैरह भी मिलते हैं लेकिन वो हलाल नहीं, तो जारी बात है। तो मुझे इनका एक मिल्क शेक बहुत पसंद आया वनीला फ्लेवर का, तो मैं तो वो ट्राई कर रहा हूँ, इट्स बेस्ट फॉर मी। दोस्तों, हमने टिम हॉर्टन से आइस कॉफ़ी जो है कैपेचिनो फ्लेवर की ले ली है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ से तो 60 किलोमीटर रह गया है बैफ, तो अब चलते हैं उस तरफ। और टिम हॉर्टन्स यहाँ का सबसे फेमस कॉफ़ी ब्रांड है, ऐसे ही है मामू जी? हाँ जी, कैनेडियन है। कैनेडियन है, और हमारे पेरिस में जैसे फाइव गाइज हो गया, उसके बाद स्टारबक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा चलता है वो टिम हॉर्टन्स चलता है। तो ये बहुत फेमस है कैनेडियन ब्रांड कॉफ़ी का। अगर आप कैनेडा आएँ तो ज़रूर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पिए, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो, पीनी ज़रूर चाहिए। दोस्तों, इस टाइम हम बैफ नेशनल पार्क के जो एंट्रेंस है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अब हमें टिकट मिलेगी और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो लेट्स सी। वी नीड फॉर डे पास फॉर बैफ। वन डे? थैंक यू सर, इट्स $21। श्योर। डेबिट और क्रेडिट? डेबिट प्लीज। Pardon me? Visitor's guidebook, ma'am? Yes, please. Sir, this is open to the windshield of the car and it's good till 4 o'clock tomorrow afternoon. Okay, thank you very much. Enjoy your day, thank you. मशहूर जगह है जहाँ पर सब खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे क्यों ना अपना थंबनेल बना लिया जाए। तो इसको आगे अब हमने चाहिए लिफ्ट की तरफ जाना है, तो जल्दी करते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बैंफ गुंडोला। और दोस्तों, व्यू मेरे पीछे आप चेक कर सकते हैं, अल्लाह की क्या खूबसूरत नेचर है। और बड़ा ही यहाँ पे खूबसूरत मौसम है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी अभी से महसूस हो रही है, बाद में हो या ना हो। तो चलते हैं फिर बैंफ गुंडोला, वो देखें चेयर लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो वहाँ पे देख सकते हैं आप।
वहाँ से चेयर लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, और होते होते यहाँ से होते होते काम वो वहाँ यहाँ से जा रही है और इसके बाद आगे भी जाएगी। तो बड़ा ही बेहतरीन मौसम है। तो आपको मेरे पीछे बड़े ही खूबसूरत जो माउंटेन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यकीन माने बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कनाडा आए और कैलगरी आए खास तौर पे, आपका बैंफ का विजिट लाजमी होना चाहिए। ये सबसे खूबसूरत जगह है कैलगरी के नज़दीक। चलते हैं फिर चेयर लिफ्ट पे, लेट्स गो। Thank you. Okay. Have a great evening. Thank you. तो फाइनली दोस्तों हमने चेयर लिफ्ट में अपने बैठ के शीशे खुलर आ गए थे। ये देखिए जी, अगर ज्यादा व्यू लेंगे इसको हम खोल लेंगे, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही है ना मामू जी? जी जी, सर्दी से बचना जरूरी है, लेकिन ज्यादा महसूस नहीं करनी, क्योंकि सर्दी और बेइज्जती जितनी ज्यादा महसूस करें उतनी लगती है। आपने सुना कुछ, समझे कुछ? तो दोस्तों इस टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं टॉप पर, और यहाँ पे सर्दी जो है वो बहुत 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 ज्यादा है, और हाथों को तो महसूस भी हो रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पे आ गए हैं। तो बस हम कुछ ही देर में अपनी इस मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, तो वहां पे भी कुछ पॉइंट्स है विजिट करने के लिए। और इस टाइम चेयर लिफ्ट पे बैठ के जो मुझे ऊपर से व्यू नजर आ रहा है ना, सुभान अल्लाह, लेट्स सी। सर्दी के बाद एकदम हीटर वाली जगह में आ गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से इनका ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर म्यूजियम है, तो इसको देखते हैं। इसको दोस्तों फाइनली मैं चेयर लिफ्ट से ऊपर आ चुका हूँ, और जो यहाँ पे व्यू है ना, आप व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ का। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत, और अल्लाह की बनावट देखिए आप। ये देखकर आप ना भी चाहे तो आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकलेगा। इतनी खूबसूरत जगह है, और सर्दी यहाँ यकीन करें कम अज कम भी -10 से 15 के दरमियान टेम्परेचर है इस टाइम, और महसूस नहीं होता क्योंकि धूप निकली है। लेकिन अब बस व्यू चेक करें यार, मैं आपको बता नहीं सकता, और यकीन कर इतनी सर्दी से पहले मैंने नहीं देखी कहीं। ठंडी हवा चलती है उसकी वजह से और ज़्यादा तेज़ सर्दी है, तो बाकी धूप भी निकली हुई है, हवा ना हो तो हल्की सी धूप लगती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं इतनी सर्दी में। थोड़ी सी धूप का शदीद सर्दी है, शदीद वाली सर्दी है। दोस्तों मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कोई पाकिस्तानी फैमिली है, देखिए क्या लिखी है, आनिया, आजरा, हादिया, वानिया, पता नहीं तामीनिया, पता नहीं जुनैरा, फातिमा, यूसुफ, बब्बे, पता नहीं क्या क्या, मानी, जैनब अली, बाबा, ग्रुप 2021। अगर कैलगरी आना है तो बैफ लाजमी आना है, वरना नहीं कैलगरी आना। गाइस जब कहीं कहीं पे जस्ट चेक द व्यू, यार कहाँ आ गया हूँ मैं, जस्ट चेक आउट द व्यू, वाओ सुपर। अभी हमने वो वहाँ ऊपर कहीं जाना है, तो चलते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, 10 out of 10+। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। और मैंने एक और चीज़ है कि यहाँ पे ना
अगर हवा ना चले तो इतनी सर्दी नहीं है, जब हवा चलती है मैं स्लिप होने लगा था, जब हवा चलती है तब सर्दी बढ़ जाती है, और यहाँ पे मुसलसल तेज हवा चल रही है। तो दोस्तों इस टाइम मैं इस टाइम हम लोग चेयर लिफ्ट चढ़ के थोड़े और ऊपर जाने का पैदल रास्ता था वो पूरा करके, तो फिर हमें इतना खूबसूरत व्यू देखने का मौका मिला है जो आप इस टाइम देख रहे हैं, और इंतहाई खूबसूरत जगह है। अगर बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप कैलगरी आए कैनेडा तो बैफ में ज़रूर आना है, यहाँ मिस नहीं आप कर सकते। चेयर लिफ्ट है, वहाँ से उतरे थे तो ऊपर इसके रेस्टोरेंट्स है, थिएटर वगैरह है, यहाँ पे बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो हम अभी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है, वो यहाँ से इस जगह से हम चले थे और चलते 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 और चलते चलते यहाँ से होते 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 हम यहाँ से अंदर आ गए। यहाँ पे ना थोड़ा स्मोकी सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पे ईटिंग वगैरह लगे, लेकिन आपको फील आता था कि आप बाहर बैठे लोग जो इधर का व्यू एंजॉय करते हैं, और ये सीन है। दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, और बहुत नीचे देखने वाला सीन है, देखो। The light of day is still so far away. As we descend, I ask you this. What will you remember when you wake up tomorrow? Did the evening treat you well? Oh yeah. Perhaps you feel a little different than you did on the way up. Thank you. दोस्तों अब हम वापस आ गए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, तो देखेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आगे अभी लेक पे जाएंगे, वरना फिर हम दोबारा कभी लेक पे चक्कर लगाएंगे। तो चलते हैं फिर देखते हैं अगर हम लेक पे जाते हैं या नहीं, तो लेट्स गो। फाइनली दोस्तों हम घर वापस आ चुके हैं, आज का दिन मेरा बड़ा ही बेहतरीन रहा है, मैंने बहुत इंजॉय किया है। तो इसी तरह के मजीद फैंटास्टिक व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कर दिया करें, आपका कोई नुकसान नहीं इसमें होना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।